अभी हम देखेंगे इरोडो का 1.2 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चन है, पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन एंड हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी वी टू फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि अगर इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन वी एवरेज इक्वल टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। एंड सेकेंड इज इफ टाइम इज कॉन्स्टेंट देन वी एवरेज विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई टू। ओके डन। ओके, अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि ओके, क्वेश्चन है कि पहले वो वी नॉट से मूव करती है हाफ द डिस्टेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वी नॉट से मूव करती है, मतलब यहाँ से चल के वो अगर टोटल डिस्टेंस उसको इतना ट्रेवल करना है तो वो यहाँ से हाफ डिस्टेंस वो वी नॉट से जाती है और रिमेनिंग हाफ जो है वो वी वन से जाती है टी वन टाइम तक और वी टू से जाती है टी टू टाइम तक। तो ये पार्ट का जो एवरेज स्पीड होगा वो हो जाएगा हमारा वी वन प्लस वी टू बाई टू। ओके, सो इधर का स्पीड हो गया वी वन प्लस वी टू बाई टू और इधर का स्पीड हो गया हमारा वी नॉट, और इस केस में अभी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए जैसा हमने देखा था कि वी एवरेज इक्वल टू वी टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वी एवरेज इक्वल टू टू वी नॉट इन टू वी वन प्लस वी टू बाई टू डिवाइड बाई वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू बाई टू। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू वी नॉट इन टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू। ओके, दिस इज एंड।